आजकल आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान एग्जाम्स होगी या नहीं। क्या आप 12th बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट हैं? क्या आप एग्जाम को लेकर परेशान हो रहे हो? क्या आपके बच्चे भी एग्जाम्स देने वाले हैं? कोरोना की महामारी के दौरान एग्जाम होनी चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। आपका जो एग्जाम्स के लेकर जो नज़रिया है उसको ये वीडियो बदल के रख देगी। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल हेल्पलाइन वॉइस फोंडवा में। दोस्तों, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, आपको शायद ये बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर ये बातें 100% सही है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, हम मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको फेल होने से डर लगता है तो ये बात हमेशा याद रखना। मैं परीक्षा में कुछ विषयों में फेल हो गया था और मेरे सभी दोस्त पास हो गए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर का काम करते हैं और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। क्या आप जानते हैं ये बात किसने कही है? बिल्कुल सही, बिल गेट्स ने। तो दोस्तों, इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि फेलियर एग्जाम्स में फेल होने को नहीं, जीवन में फेल होने को कहते हैं। फेल होने से मत डरो, पर मेहनत करना भी जारी रखो। हम परीक्षा को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, जबकि परीक्षा सिर्फ अपने साल भर की पढ़ाई की होती है, ये आपके जीवन की कसौटी नहीं होती। दोस्तों, आप जानते हैं ये बात किसने कही है? बिल्कुल सही, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे हम उनकी और भी बातों को जानते हैं। मैं सभी माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को अपना सोशल स्टेटस न बनाए, दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों से तुलना मत करें। आपके बच्चे के अंदर जो सामर्थ्य है उसे पहचानिए। अंक और परीक्षा जीवन का आधार नहीं है। इससे भी आगे उन्होंने कहा है, मार्क्स और मार्कशीट का एक सीमित उपयोग है। जीवन में आपके नॉलेज काम आने वाला है, आपकी स्किल्स काम आने वाली है, आपका आत्मविश्वास काम आने वाला है, आपकी संकल्प शक्ति काम आने वाली है। परीक्षा के बारे में वो आगे चल के और कहते हैं, परीक्षा को खुशी का एक अवसर मानना चाहिए जो साल भर की मेहनत के बाद मिलता है। यह एक ऐसा उमंग और उत्साह का पर्व होना चाहिए जिसमें प्रेशर का नहीं बल्कि प्लेजर का स्थान हो। अंत में दोस्तों, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा, जान है तो जान है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो आपका एग्जाम से रिलेटेड जो आपका नज़रिया है उसको बदलने में मदद रुत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। आपको पॉजिटिव रखने के लिए हम और भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के डर को छोड़ के अगर एग्ज़ाम हो तो खुशी खुशी एग्ज़ाम्स देना, और अगर एग्ज़ाम्स ना हो तो अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करना, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।